हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आपको अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव पता होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इसको जानने के बाद आप ये पता कर सकेंगे कि हम अकाउंटिंग का क्यों यूज करते हैं और इसका हमारे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, तो फर्स्टली फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था, जब हमने अकाउंटिंग प्रोसेस या साइकिल पढ़ा था, कि हम बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका भी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। हम क्या करते हैं, ये अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कंप्लीट रिकॉर्ड है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जो कि हमारे स्पेसिफाइड रूल्स हैं, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटिंग की, उसके बेस पे हम उन्हें संभाल के रखेंगे या कीप करेंगे रिकॉर्ड्स को। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करते हैं थ्रू द स्पेसिफाइड रूल्स, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी हो जाती है जो ओमिशन है, जो फ्रॉड है। ओमिशन क्या, जैसे कि आपके सिलेबस में होगा कि आपको ये पोर्शन नहीं पढ़ना है या ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो वो क्या हुआ आपका, वो हुआ आपका कि आपको ये चीज नहीं पढ़ना है, तो वो हुआ ओमिशन। और फ्रॉड क्या हुआ, फ्रॉड ये हुआ कि दो तीन ट्रांजेक्शन हमने द्वारा द्वारा डाल दी है, तो वो होता है फ्रॉड, कि जो रिपीट हो रही है ट्रांजेक्शंस, जो कि बार बार हमने रिपीट कर दिए ट्रांजेक्शंस, वो फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। फॉर दिस पर्पस ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जनरल और सब्सिडरी बुक्स एंड देन पोस्टेड इनटू लेजर। जैसे कि मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल में बताया था कि हम पहले बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जनरल में या सब्सिडरी बुक्स में, फिर हम उसे पोस्ट करते हैं लेजर में। वही बात ये यहाँ कह रहा है कि हम फर्स्टली क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को किस में, जनरल में या सब्सिडरी बुक्स में। सब्सिडरी बुक्स लाइक दैट सेल्स बुक, परचेज बुक, ठीक है, परचेज रिटर्न बुक, तो ये सब बुक्स सब्सिडरी बुक्स आ गई मेरी, कैश बुक। तो तब हम उसे किस में रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में करते हैं। ओके, अब सेकंड क्या है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। द सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का, कि हमें पता लगाना होता है कि हमारा कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, कितना नेट लॉस हुआ है। ओके, और हम वो कब करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड में करते हैं। जैसे कि हमारा तो अकाउंटिंग में हमारा फाइनेंशियल ईयर ही चलता है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, वही उसका पर्टिकुलर पीरियड ही होता है। ओके, फॉर दिस पर्पस ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ द बिजनेस इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। अब यही आया अकाउंटिंग पीरियड ही तो है वो। तो ये क्या है, हम क्या इसके क्यों बनाते हैं, इसका पर्पस ये होता है कि हम ट्रेडिंग और पीएनएल बनाएं, जो कि हमारे बिजनेस में बहुत हेल्पफुल रहे, और वो हम कब बनाएं, एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड वही 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ऑल द आइटम्स रिलेटेड टू परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, इनकम्स ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। अब हम क्या करते हैं, जो भी सब आइटम्स हैं जो कि रिलेटेड है हमारे परचेज से, सेल से, एक्सपेंसेस से, या इनकम से, या रेवेन्यू से, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं किसमें, ट्रेडिंग में और पीएनएल अकाउंट में। इफ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सीड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अर्निंग दैट रेवेन्यू, देयर इज सेड बी प्रॉफिट। अगर हमारे रेवेन्यू ज्यादा होगी और एक्सपेंडिचर कम होंगे, तो आपको पता ही है आपका प्रॉफिट है। जैसे कि आपको 100 रुपये मिले, ठीक है, और आपने
₹50 का एक्सपेंस करा है, तो आपको ₹50 जो बचा है वो क्या हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ। तो ये सी हमारे बिजनेस में भी होता है कि हमारे जितने एक्सपेंडिचर होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं, और अगर रेवेन्यू हमारी ज्यादा होती है तो हमें क्या होता है, फायदा ही होता है, प्रॉफिट होता है। इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सीड द रेवेन्यू देयर इज सेड टू बी ए लॉस। अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और रेवेन्यू कम होगा, यानी कि हमारी इनकम ज्यादा होगी, इनकम कम होगी और हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, तो हमारा लॉस ही होगा। इन एडिशन ए बिजनेसमैन इज टू एबल टू गेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय प्रिपेयरिंग ए ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ए बिजनेसमैन क्या पता लगाता है ट्रेडिंग ऑन पीएनएल अकाउंट से, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, देखो फर्स्ट है हमारा हाउ मच गुड्स हैव बीन परचेज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। हमने कितना परचेज, कितना हमने गुड्स परचेज करा है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। ये यानी पर्टिकुलर पीरियड का मतलब क्या हुआ, एक साल हुआ, ठीक है। तो हमने कितना गुड्स परचेज करा है, और सेकेंड है कितना गुड्स हमने सेल्स करा है, सेल करा है, और कितना गुड्स हमारे पास बचा हुआ है अभी, जो हमारा अनसोल्ड है उसकी भी वैल्यू क्या है, ठीक है। फोर्थ क्या हमारा, हाउ मच अमाउंट हैज बीन स्पेंड ऑन वेरियस हेड ऑफ एक्सपेंडिचर एंड हाउ मच अमाउंट टू बीन अर्न बाय वेरियस हेड ऑफ रेवेन्यू। हमारा कितना अमाउंट हमने खर्च कर दिया एक्सपेंडिचर पे और कितना हमें अर्न हुआ है रेवेन्यू से। रेवेन्यू मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस। तो कितना हमने एक्सपेंस करा है और कितना हमने रेवेन्यू करा है, ये सब चीजें हमें पता चल जाती है ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट से। एट अटेनिंग दिस इंफॉर्मेशन ए बिजनेस कैन कीप इफेक्टिव कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर। इसकी हेल्प से, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से बिजनेसमैन अपनी जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है या कोई भी एक्सपेंडिचर है, उसे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। जब उसे पता चलेगा तभी तो कंट्रोल करेगा। अब पता कब चलेगा, जब वो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाएगा। अब बिना उसकी हेल्प से उसे पता नहीं चलेगा कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। हमारा एग्जैक्ट रीजन हमारा क्या है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का, तो वो हमें पता चलेगा इससे, ठीक है। तो ये जो आपके 4 पॉइंट है ये इसी के रिगार्डिंग है, ठीक है। ये इसी के रिगार्डिंग है कि आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का रीजन पता चलेगा कि अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट में आ रहा है तो किस वजह से हमारा प्रॉफिट में आ रहा है, क्या क्या चीज हम अच्छी कर रहे हैं, क्या चीज हमारी अच्छी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और अगर हमारा नेट लॉस हो रहा है तो कहाँ हमारा ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, कहाँ हमारे बिजनेस में कमी आ रही है, हमारे प्रोडक्ट में कमी है या हमारे सेल्स में कमी है या मार्केटिंग में कमी है, तो वो चीज इससे पता चलता है, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। अब इसमें क्या पता चलेगा हमें, कि हमें फाइनेंशियल पोजिशन पता चलनी चाहिए बिजनेस की। तो फॉर द बिजनेस मैन मेयरली असर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज नॉट सफिशेंट। एक बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट और लॉस ही सब कुछ नहीं होता है, उसके लिए क्या होता है, उसे फाइनेंशियल पोजीशन भी पता होनी चाहिए। द बिजनेसमैन मस्ट ऑल्सो नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। उसे पता होना चाहिए कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है बिजनेस की, ठीक है। फॉर दिस पर्पस आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर विच शो द एसेट्स एंड देयर वैल्यूज वन ऑन द वन हैंड एंड द लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन द अदर हैंड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसको कहते हैं बैलेंस शीट। और वो बैलेंस शीट क्या शो करता है कि कितनी हमारे पास एसेट्स बची है, कितनी वैल्यू की एसेट्स हमारे हाथ में है, और दूसरी साइड क्या बताता है, वो दूसरी साइड ये बताता है कितनी लायबिलिटीज है हमारे पास, कितनी हमारे पास कैपिटल है। ओके, द बैलेंस शीट इज एक्चुअली ए स्क्रीन पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में आपका स्क्रीन है, आपके पता चल जाता है किसका मैसेज आया है या क्या डाउनलोड हो रहा है, तो वो सब आपका बता देता है, या आपका हैंग हो रहा है मोबाइल तो वो सब बता देता है आपको, ठीक है। तो ये ऐसी बिजनेस का स्क्रीन क्या होती है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से वो सब पता चल जाता है कि कितनी हमें पे करना है, कितना हमें पे करना है किसी को, कितना हमारे पास मनी है, कितनी हमारी एसेट्स है, कितनी हमारी लाइबिलिटीज है, ठीक है। एट वन गैलेंस
वन वुड नो द फॉलोइंग बाय लुकिंग एट बैलेंस शीट। और एक नजर हम डालेंगे कि हम क्या क्या पता करते हैं बैलेंस शीट से। ओके, अब ये देखो, बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है, फर्स्ट हमें पता चलता है कि हाउ मच द बिजनेस हैड टू बी रिकवर फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, रिकवर फ्रॉम डेटर्स कि हमें कितना पैसा अभी रिकवर करना है डेटर्स से। डेटर्स हमारे वो होते हैं जो हमें, जो हम जिन्हें पैसा देते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोन देते हैं या किसी भी टाइप का, या कोई भी हमें अपना गुड्स देते हैं उन्हें उधार पे, तो हमें कितना पैसा डेटर्स से लेना है। ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड क्या है, हाउ मच बिजनेस हैज टू बी पे टू क्रिएटर्स। अब क्रिएटर्स क्या होते हैं, क्रिएटर्स वो होते हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हमें कोई अमाउंट दे रखी है, ठीक है, कोई गुड्स दे रखा है, कोई रॉ मटेरियल दे रखा है। तो उन्होंने जितने टाइप्स का हमें कैश दिया है या गुड्स दिया है, तो वो क्या हुए, हमारे हमारे बिजनेस में जो दिया है उन्होंने, वो हुए हमारे क्रिएटर्स जिन्हें हमें पे करना है। तो हमें कितना पे करना है, ये भी हमारी बैलेंस शीट बताती है। और क्या बताती है हमारी बैलेंस शीट, थर्ड पॉइंट क्या है, देखो, हाउ मच द बिजनेस हैज इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड, कितना हमारे पास कैसेट बैंक, कितना है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, कितना है हमारे पास और फिक्स एसेट्स कितना है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि हमारे पास कितना अनसोल्ड हमारे पास गुड्स बचा है, तो उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, फिक्स एसेट्स लाइक बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर कंप्यूटर्स जितने भी फिक्स हैं, ठीक है, जो बदल नहीं सकते हैं, तो वो फिक्स एसेट्स हो गए। कितना कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड मतलब कितना कैश है हमारे पास, ठीक है, और कितना हमारे बैंक में है, तो वो सब हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। फिफ्थ क्या है आपका, देखो, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके एक ही ईयर के लिए आप बिजनेस कर रहे हो, आप तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हो, तो आपको इसमें पता चलता है कि आपके बिजनेस की प्रोग्रेस ईयर बाई ईयर कितनी हो रही है। जैसे कि आपने 2010 में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करा, तो हो सकता है कि आपको बीच में लॉस हुआ हो, 2015 में आपको लॉस हुआ हो, 16 में आपको फिर फायदा हो, 17 में फिर फायदा, 18 में फिर लॉस, 19 में फिर फायदा, फिर 20 में फिर लॉस। तो ये हमें ईयर टू ईयर पता चलता है बैलेंस शीट के माध्यम से कि हमें क्या फायदा हो रहा है और क्या हमें लॉस हो रहा है। अब सिक्स क्या है हमारा, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। और हमें ये भी पता चलता है कि हमें बचना चाहिए, ठीक है, किन चीजों से बनना चाहिए जो कि हमारे एरर्स दे रहे हैं और जो हमसे फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, कि कम कम हमारे पास कम हमारे ट्रांजेक्शन, यानी कि हमारे गुड्स था 50,000 का और उसने हमें दिखाया 60,000 का, तो ये फ्रॉड होता है, ठीक है। डिटेक्टिंग एरर क्या होती है कि कोई ट्रांजेक्शन हमने दो बार लिख दिए, एक ही चीज की दो बार ट्रांजेक्शन लिख दिए, तो वो सब उस एरर से या उस फ्रॉड से हमें बचना चाहिए, ठीक है, इसकी मदद से। और सेवंथ क्या है हमारा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अब जो भी ये इंफॉर्मेशन है हमारी, जो ईयर टू ईयर है या जो पर्टिकुलर ईयर में है कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ इतना लॉस हुआ, तो वो सब कौन बता, सॉरी, वो सब हम अपनी पार्टीज को बताएंगे। अब ये तो है नहीं कि आप अकेले ही अपने बिजनेस को रन कर रहे हो, आपके पास बहुत सारी पार्टीज है, जैसे क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, ठीक है, तो इन सबको कम्युनिकेट करना पड़ता है आपको, ठीक है। अब अनदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज लाइक ओनर्स इन्वेस्टर्स क्रेडिटर्स बैंक्स एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट ऑथोरिटीज एक्सेट्रा। अब ये क्या है कि हमें प्रोवाइड और कम्युनिकेट करना पड़ता है वेरियस पार्टी से जो कि इंटरेस्टेड पार्टी हमारी बिजनेस में, जैसे कि हमारा ओनर हो गया, इन्वेस्टर हो गया जिन्होंने हमें पैसा दिया है, क्रेडिटर्स हो गया जिन्होंने हमें गुड्स एंड सर्विसेज दिए हैं उधार पे, ठीक है, बैंक्स हो गया जिन्होंने हमें लोन दिया है, एम्प्लॉयज हो गए हमारे, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गई जिन जिनको हमें इंफॉर्मेशन देनी है कि हमारा फाइनेंशियल पोजिशन ये चल रहा है इस ईयर का, ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर का। अब फिर क्या लिखा है, द इंफॉर्मेशन हेल्प्स देम इन टेकिंग साउंड एंड ज्यूडिशियस डिसीजन अबाउट द बिजनेस एंटिटी। अब ये हमें इंफॉर्मेशन हेल्प करती है कि हमारा बिजनेस किस तरीके में चल रहा है और क्या क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पे चल रहा है, वो डिसीजन ले रहा है। ये जुडिकेस मतलब ये होता है कि जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अनुसार जो चल रहा है, ठीक है,
हमारा बिजनेस एंटिटी। अब हम पढ़ेंगे इसमें फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी मेन टॉपिक है आपका। अभी हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये सब पॉइंट्स आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के भी और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के भी, बट ये ABCD की फॉर्म में लिखेंगे, 1 2 3 फॉर्म में मत लिखना, ठीक है, वो आपके हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्या है आपका फंक्शन, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ये देखो ये रिकॉर्ड फिर आ गया है हमारा, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी था, ये हमारा फंक्शन भी है कि हमारा सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शंस की हमारे पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स होने चाहिए और कंप्लीट रिकॉर्ड होने चाहिए। अब एक चीज एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे कि आपने बैंक में होगा, ठीक है, बैंक में जब आपके पासबुक प्रिंट हो गया थे तो देखा आपने कितना सिस्टमेटिक रहता है, डेबिट के अमाउंट डेबिट में रहती है, क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट में रहती है, और आपका ट्रांजेक्शन भी लिखा रहता है कि आपने इस एटीएम से इतना पैसा निकाला या चेक से पैसा निकाला, ठीक है। तो ये सब आपको मेंटेन करके देता है बैंक, तो ये होता है सिस्टमेटिक मैनर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ओके, अब फिर क्या लिखा है, पोस्ट देम इनटू टू लेजर टू एंड प्रिपेयर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट। अब इनको कहाँ पोस्ट करते हैं, हम लेजर में पोस्ट करते हैं, और क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आता है, ठीक है, और बैलेंस शीट आता है। ओके, अब करेंगे हम सेकेंड, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। हम कम्युनिकेट करते हैं वेरियस पार्टीज से, ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। अब क्या लिखा है इसमें, अनदर मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेट प्रॉफिट और लॉस, एसेट्स लायबिलिटीज एक्सेट्रा टू बी इंटरेस्टेड पार्टीज। जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है उनको हम कम्युनिकेट करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन बताते हैं अपने बिजनेस की कि हमारे पास नेट प्रॉफिट इतना हुआ है, हमारा नेट लॉस इतना हुआ है, हमारी एसेट्स इतनी है, हमारी लायबिलिटीज इतनी है, ठीक है। वो इंटरेस्टेड पार्टी है हमारी, और आपको पता ही है इंटरेस्टेड पार्टी कौन है, कौन है, हमारे ओनर्स हैं, हमारे हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे बैंक्स हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमारे डेटर्स हैं, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं हमारे, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। हमारी एसेट्स जो हैं बिजनेस की, उसे हमें प्रोटेक्ट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस एसेट्स सच एज कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, डेटर्स एक्सेट्रा, इस इट इनेबल द मैनेजमेंट टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम। अब जितने भी हमारे एसेट्स हैं, देखो एसेट्स में आए, इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, कैश इन हैंड होता है हमारा एसेट्स, बैंक का बैलेंस होता है, इन्वेंट्रीज होती है, डेटर्स होते हैं, और भी होते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि हमारे यार एसेट्स कितनी है, हमारे कहीं एसेट्स डिक्रीज तो नहीं हो रही है, तो मैनेजमेंट को ये रिकॉर्ड पता होना चाहिए जिससे कि वो प्रोटेक्ट कर सके और एक प्रॉपर कंट्रोल बना सके अपनी एसेट्स के ऊपर। ओके, अब फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ आपका है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस मीन्स कि हम मैनेजमेंट को बताएं कि हमारा कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हम उसे असिस्टेंट करें, यानी कि उसे बताएं टाइम टू टाइम, बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन द टास्क ऑफ प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। हम टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे मैनेजमेंट को, वो मैनेजमेंट को असिस्ट करेंगे कि हमारी प्लानिंग कैसे चल रही है, हमारा कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग कैसे चल रहा है। तो उस पे हम जब हम उन्हें बताएंगे मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट उसे ठीक करेगा, उसको कंट्रोल करेगा अपनी प्लानिंग को, कंट्रोलिंग को या डिसीजन मेकिंग को। अब फिफ्थ क्या है हमारा, ट्रस्टी शिप है। इन केस ऑफ कंपनीज द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग द रिसोर्सेस ऑफ द एंटरप्राइजेस, ठीक है।
अब हम कंपनीज की बातें करें या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट को ज्यादातर पता नहीं रहता कि हमारा रिसोर्सेस में कैसे कंट्रोल करा जाए, ठीक है। तो इसलिए हम एक अकाउंटेंट होने के नाते, या अकाउंटिंग हमारे पास रहती है तो अकाउंटिंग के नाते हम उन्हें बताते हैं कि हम कैसे कंट्रोल करें अपने रिसोर्सेस को। तो द मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ द कंपनीज फंड एंड द अकाउंटिंग असिस्ट देम टू कंट्रोल द रिसोर्सेस प्रॉपरली, ठीक है। तो क्या होता है कि मैनेजमेंट हमसे ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि हमें उन्हें एक अच्छे ट्रस्टी की तरह उनके कंपनी फंड को और उनका अकाउंटिंग असिस्टेंट करते रहें और कंट्रोल करते रहें प्रॉपर मैनर से रिसोर्सेस का। सिक्स्थ क्या है हमारा, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। हमें लीगल नीड्स को कंपाइल करना पड़ेगा अंडर द प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉ सच एज कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। हमें वेरियस टाइप के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है, रूल्स को या लॉज को फॉलो करना पड़ता है जो कि है कंपनी एक्ट के अनुसार हम अपनी कंपनी को चलाएंगे। इनकम टैक्स हम भरेंगे रेगुलर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को प्रॉपर मेंटेन करेंगे, ओके। ए बिजनेस फर्म हैज टू सबमिट वेरियस स्टेटमेंट सच एज एनुअल अकाउंट्स, इनकम टैक्स एंड जीएसटी रिटर्न एक्सेट्रा, ठीक है। तो बिजनेस क्या करता है हमारा, टाइम टू टाइम सबमिट करना पड़ता है उसे कुछ स्टेटमेंट, जैसे एनुअल अकाउंट्स हो गए। एनुअल मतलब पूरे साल के हमें अकाउंट्स दिखाने पड़ते हैं सरकार को, ठीक है, गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स दिखाना पड़ता है, जीएसटी रिटर्न दिखाना पड़ता है कि हमने इतना जीएसटी पेड करा है दिस ईयर और हमारी इतनी सेल्स थी, इतनी हमारी परचेज थी, तो ये हमें दिखाना ही पड़ता है, ठीक है। अब क्या है, अकाउंटिंग परफॉर्मा दिस फंक्शन बाई सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। अब अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग परफॉर्म करता है इस फंक्शन को, ठीक है, इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है किसे, गवर्नमेंट एजेंसीज को, कि हम सब रूल और रेगुलेशन और लॉस हम फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ये सब हम कर रहे हैं। अब ये मेनली आपको आपने सुना ही होगा जीएसटी, ठीक है, किसी भी कोई भी चीज आप खरीदते हो तो उस पर जीएसटी लगा रहता है, ठीक है, कोई भी सर्विस लेते हो तो उस पर जीएसटी लगा रहता है। यहाँ तक कि आप जब पिक्चर भी देखने जाते हो किसी अच्छे 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 मॉल में तो आपको उसमें भी टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये टैक्सेस के बारे में बात करेंगे हम आज। तो ये क्या लिखा, देखो, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स थे हमारे, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स। तो इनको मर्ज करके हैव बीन मर्ज इनटू ए सिंगल टैक्स, ठीक है, इनको मर्ज करके हमने एक ही टैक्स बना दिया है, ठीक है, सिंगल टैक्स बना दिया है हमारे। तो इनको इसको क्या कहा, जीएसटी कहा है। गुड्स एंड सर्विस इज पेड एट द टाइम टू टाइम ऑफ परचेस एंड जीएसटी इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है। अब ये क्या होता है कि हमने कोई हमें गुड्स बनाना है हमारे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमने जो रॉ मटेरियल लिया है बाहर से, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल उस गुड्स को बनाने के लिए, उसमें हम जीएसटी उसे पेड करते हैं जिससे हम लेते हैं, और जब हम उसको फाइनल गुड बना लेते हैं, जब उसे सेल करते हैं, तो उसमें हम जीएसटी इंक्लूड करके बेचते हैं जिससे कि हमें जीएसटी मिल जाता है, ठीक है। तो अब गुड्स एंड सर्विस, अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, गुड्स और सर्विस कैसे कहते हैं। गुड्स वो होती हैं जो कंज्यूमेबल है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो टेंजिबल है, ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं। जैसे मोबाइल है आपका, मोबाइल क्या है आपका, आपका गुड्स है आपका मोबाइल, ठीक है। अब उसमें जो सिम है, सिम में सर्विस आ रही है क्योंकि वो तो दिख नहीं रही है ना आपको, सर्विस वो तो आपको लेनी पड़ती है, तो वो सर्विस क्या है, आपसे आपको बात करा रही है, ठीक है, इंटरनेट है, इंटरनेट की सर्विस लेते हो आप, वही बात करा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर ने दवाई नहीं दी, डॉक्टर का दवाई मेडिकल से लेना, बट वो प्रिस्क्रिप्शन लेता है आपका, आपको देखता है कि आपको बुखार आया, आपको कौन सी दवाई देनी है, तो वो उसकी सर्विस है। एडवोकेट है, एडवोकेट आपका कोई भी केस लड़ता है कोर्ट में, तो वो अपनी एक फीस चार्ज करता है, तो वो भी उसकी सर्विस है, ठीक है। और जैसे कि आपको
यहाँ से गोवा जाना है, तो आपको एरोप्लेन में टिकट लिया आपने, ठीक है, टिकट लिया है, आप बैठे हो ना उसमें, बैठ के आप वहाँ गोवा पहुंच जाओगे तो उतर जाओगे, तो ये क्या है आपका ट्रांसपोर्ट है, तो ये भी आपकी सर्विस में आता है, तो ये होता है गुड्स एंड सर्विस में अंतर होता है, ठीक है। अब सेवेंथ में अब लास्ट आपका फंक्शन ये है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिक्स कर देंगे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू बी डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेस। हमारा एक और फंक्शन है अकाउंटिंग का कि हम डिटरमाइन करें कि हमारा कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में है, जो हमें ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। जैसे सेल डिपार्टमेंट हमारा अच्छा चल रहा है, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारा अच्छा चल रहा है, या हमारा प्रोडक्शन सही हो रहा है, तो ये सब हमें देखना पड़ता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा डिपार्टमेंट जो हमें प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है। आगे क्या लिखा देखो, इट फैसिलिटेटेड द फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट हेड। तो हमें ये फिक्स करना पड़ता है कि ईच जो भी डिपार्टमेंट का हेड है उसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देनी पड़ती है। ओके, तो मैंने आपको होमवर्क बता ही दिया है, और आज मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग बता दिया है, तो ये आप हेड बना के इसको लिखोगे, इनके हेडिंग्स लिखोगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के। और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सबको शेयर करें। ओके, थैंक यू।